और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 7:15, मौसम हो गया एक नंबर। दिखाता हूँ, अरे काला बादल हो रहा है, बारिश हो जाए बस तो मजा है भैया। पूरे दिन भर ऐसे ही मौसम रहे, हवा चल रही है बैटरी वाली, हो रहा है एक नंबर। वैसे अभी तो मेरे बाल खुले हुए थे लेकिन मैंने बांध लिए हैं, थोड़ा सा बाल झड़ भी रहे हैं, थोड़ी डस्ट भी घुस जाती है फालतू की, तो बस ज़्यादातर टाइम बांध के रखता हूँ ताकि सही से रहें बाल। इसकी क्लिप लो, इसकी क्लिप भी ये निकल आई, बस निकल गई। क्या है पीछे से, क्या बात है क्या यार, ये चीज जो आप इसकी देख रहे हो ये पास से दिखा, ये आ गई थी बाहर निकल के पूरा ये पार्ट, ये बस इसको हम लोग बांध रहे क्योंकि इसका लॉक टूट गया है, लॉक अब पड़वाएंगे। आज फ्राइडे की वजह से मैकेनिक की दुकान बंद है, ये पूरा उसका मामला पानी निकाला है खुद ही, लेकिन अच्छी बात यह कि हमें पता चल गया कि कैसे होता है। अब इसको हम बांधेंगे, आज के लिए तो कर ही लेंगे, फिर अब कल लगवा लेंगे, ऐसे कल खुल जाएगा सब दुकानें वगैरह। इसमें लगा दिया गाइस लेंटर वाला तार, यहाँ पे अब नहीं जाएगा ये कहीं भी निकल के बेहतरीन। गाइस हम लोग जा रहे थे एक जगह, गाड़ी पड़ गई बंद, गाड़ी में हुआ क्या, गियर हो गए खराब, पहला और दूसरा गियर एंगेज नहीं हो रहा, तीसरा और चौथा और रिवर्स भी नहीं हो रहा गियर एंगेज। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, अब करवाइए कार सही, मतलब अभी सिर्फ वैसा वाला काम करवाया है, अभी मैकेनिक की कोई प्रॉपर दुकान खुली भी नहीं है, एक लॉक टूट गया है गियर का, तो अभी खुद से ही हम लोगों ने तार से जोड़ के जुगाड़ उगाड़ किया है, बाकी कल करवाएंगे इसको पूरी सर्विसिंग वगैरह, तब देखेंगे क्या हो रहा है इसमें और चीजें और क्या क्या। भाई को, बड़े भाई को नॉलेज है कार्स की, तो इन्होंने अपने सामने करवा लिया। हाँ भाई, ये हमारे बड़े भाई हैं। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सही अप्लाई कर रहे हो। रुको, बस। ये पड़ा है गियर का, भैया इसको चेंज क्यों नहीं कराते हो, दूसरा क्यों नहीं लगवाते हो ऐसे हैं? करवाओ यार, हैं? तुम्हें ब्लॉग में मुझे बदनाम करना नहीं, बात ब्लॉग में बदल। अपनी लाल चंपा, गाड़ी की हालत देखो, गाड़ी में धूल हो रही है भर के एकदम, डैशबोर्ड भी काफी गंदा हो रखा है, लेकिन आज हो जाएगी बढ़िया एकदम क्लीन। चारों कतार पसीना आ रहा है मुझे इस वक्त बहुत ही ज्यादा। अच्छा, ये है एसी का फिल्टर ऊपर और ये है गैस चैम्बर, यहीं से अगर क्लीन कर दे तो एसी हमारा क्लीन हो जाएगा। भैया गर्मी बहुत खतरनाक वाली हो रही है, पसीना आ रहा है मुझे बहुत उम्दा वाला, मुंह के अंदर का जा रहा है बे। क्लीन क्लीन एकदम,
भाभी बहुत नाराज हैं भाई तुमसे, तुमने जो गाड़ी साफ नहीं करवा रखी ना, आज तो एकदम खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें आई फ्लू हो गया यार। है देख कैसे पाएंगे, हैं देख कैसे पाएंगे, इसे बिल्कुल सही बात है, कैसे देख पाएंगे, सही नहीं है। करवाते रहा करो यार, हर महीने दो महीने में भाई। अरे वैक्यूम क्लीनर ले लो, मैं ही कर दूंगा यार, और बताओ यार। वैक्यूम क्लीनर अलमारी के ऊपर रखा है, मैं कमरे में, कार का वैक्यूम क्लीनर ऊपर अलमारी पे कर रहा है। हाँ यार, लगाओ बेहतरीन। ओ भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पाइप पाइप वैक्यूम क्लीनर आ गया गाइस, अब होगा मजा। दौड़ भाई यहाँ पे डालो, डालो अंदर डाल दो। यार तुम ही तो दे सकते हो गाड़ी दूसरे को, लेकिन तुम जैसे अपनी गाड़ी रखोगे दूसरी थोड़ी रखेगा। ये यहाँ मिले, तुम्हारी तरह हर कोई थोड़ा ना होगा कि तुम किसी की गाड़ी ले लो तो उसको 1200-1200 की सर्विसिंग करवाओ, धुलवाओ, साफ रखो। नहीं भैया, जब मैं मांग के चलाता हूँ कोई भी गाड़ी, मैं एकदम सेट करके रखता हूँ, अपनी गाड़ी को तो सेट करता ही हूँ, लोगों का समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। लोग तुम्हारी गाड़ी ले जाएंगे लेकिन वो वैसे नहीं रखेंगे यार, ये फैक्ट बात है। अब हुआ है बढ़िया, खोलो महाराज। बहुत गंदा हो रहा है, आपका वेलकम है। चप्पल यार गन्नो तो है यार, छोटी सी है, गन्नो खड़ी हो गई, गन्नो छोटी थोड़ा ना हुआ करती थी भाई। टाइगर देखो तो टाइगर आता है यहाँ से लेके, कौन टाइगर, फॉर्च्यूनर, स्पोर्ट, यहाँ तक जाती है। सन सिल्क लगेगा आज हमारी गाड़ी पे, यार गाड़ी के बाल तो है नहीं है तुम। अंदर ये क्लीनिंग हो गई है वैक्यूम क्लीनर से, बाकी इसकी चल रही है अभी वॉशिंग, अभी ये धुल के चमक के एकदम नई होने वाली है आज। अंदर से तो खरीदी है भाई ने हमारे, बढ़िया गाड़ी, ये बाहर से भी कर रहे हैं। इसके हैंडल के अंदर मार देना, हैंडल के अंदर ये चीज। अरे भाई क्या गंदगी मची हुई है, साफ किया भी नहीं के गंदगी वाला। बैटरी निकाल लो या तो थोड़ी देर को, ये धो रहे हैं उसको अच्छे से, पहले वॉश किया फिर अब इसके अंदर ये लगा रहे हैं साबुन, फिर दोबारा वॉश करेंगे, मेहनत तो कर रहे हैं, फुल पैड्स हो गए हैं, बढ़िया एकदम साफ, मेहनत ये थोड़ी लगेगी दिमागों का फैजू, मेहनत तो कर रहा है भाई लौंडा। पानी आ रहा है मेरे ऊपर ही, बढ़िया, आने दो आने दो आने दो, मजा आ रहा है मुझे। बढ़िया काम जब करवाए आदमी और खुद करवाए वहीं खड़े होके, आता है मजा। हाँ हाँ बहुत ज्यादा। एक चीज आप बताओगे, ये करो वैसे करो, आपको पता है कि चीजें कैसे होंगी, सबसे अच्छी बात यह है, तो जानकारी लेना बहुत जरूरी है आपको अपनी गाड़ी के बाद। एक तो पहली चीज ये है कि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी गाड़ी में क्या कमी भी आ रही है, वो भी पता चलेगा, और दूसरी बात अगर पहले से ही कोई कमी है ना आपकी गाड़ी में, तो आप कम से कम बता पाओगे कि हाँ भाई ये कमी है, इसको देखते हुए चलना, ठीक कर सकते हो तो ठीक करते हुए चलना, और उससे आपका भी भाई चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी, है ना। तो इसलिए अपनी गाड़ी खुद करानी चाहिए, ये नहीं कि भाई नेता हैं या मालिक हैं या पता नहीं क्या हैं, नवाब हैं, गाड़ी ले आकर खड़ी कर दी और भाई कर देना हम जा रहे हैं, दूसरे ने काट दिया। हाँ फिर कहेंगे इसने काम खराब कर दिया, उसने कर दिया। अरे भाई खुद देखो करवाओ, वहीं खड़े हो। सर मेरा एक्सपीरियंस जो है ना लोगों का, जो मैं देखता हूँ वो यही है, लोग देखे छोड़ देते हैं, अलग खड़े हो जाते हैं, सुट्टा पीने लगते हैं, इन सब चीज़ों का काम थोड़ी चलेगा, देखो क्या चल रहा है, आपके घर की चीज़ है, आपको ही बिठा के लेके जाती है। सही बात है, करेक्ट करेक्ट बोले हमारे बड़े भाई, बिल्कुल। तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा, है भाई आ रहा है मज़ा, इतने सारे लोग तुम पे मेहनत कर रहे हैं आज, डैशबोर्ड भी पता नहीं क्या क्या। हाँ गाड़ी का तो मसाज ही हो रहा है, सही बात, हुई साफ। अरे बहुत साफ हो गई, बेहतरीन।
मैं सोच रहा हूँ घर जाके अपनी भी वॉशिंग करूँ, बहुत ज्यादा पसीने में हो गया हूँ। कह रहे हो भाई खर्चा हो गया आज तो 2 करोड़ रुपए लग गए तुम्हारे इसमें। विंडशील्ड पे या शीशों पे हमेशा आप लोग भी पेपर ही यूज़ करना, क्योंकि वरना स्क्रैच आ जाते हैं कपड़े से, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आ गए वापस हम अपने फ़ोन पे। अरे यार क्या खूबसूरत लग रही है गाड़ी इस वक्त, मज़ा आ गया। क्या चमक रही है गाड़ी, बेहतरीन। लगाना बहुत आसान है, फट 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 आँख में लग जाते हैं, फट 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 फट। इधर इधर ये इधर उसका ये तो लग गया है बीच का वारदाना मामला। अब ये इसका लगा रहे हैं ग्लव बॉक्स। तो गाइज इसका ये फिट हो गया है बीच का, ये जो है गियर लिवर के नीचे का और हैंड ब्रेक के नीचे का ग्लव बॉक्स लग गया है। पूरी गाड़ी क्लीन हो गई है अंदर से बाहर से, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है, मजा आ गया जबरदस्त, क्या बात है। हटो और बचो, थकान के मारे बुरा हाल हो गया है 100 घंटे के बाद, लेकिन गाड़ी अंदर से बाहर से दोनों जगह से एकदम क्लीन हो गई है, मजा आ रहा है बेहतरीन। आप लोगों को मैंने दिखाया है गाड़ी बहुत ज्यादा साफ हो रही है, पूरी रेड हो रही है और ज्यादा चमक रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ पेंट कर दिया इन लोगों ने, कुछ कर दिया अलग से चीजें। वही सबसे अच्छी बात यह है अंदर की फिटिंग बहुत प्यारी हुई है, एक एक बार में चीज लगती चली गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों को पता होना चाहिए कि गाड़ी में अगर कुछ भी थोड़ा मोटा कुछ हो गया है तो क्या हो रहा है, खुद देख लें, कोई प्रॉब्लम ना है कि भागे भागे फिर रहे मैकेनिक के पास, खुद देख लो, खोलो लगाओ सही करो, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। गाड़ी हो रही है बेहतरीन, एकदम क्लीन क्लीन सब कुछ साफ करा दिया भाई, डैशबोर्ड और स्टीयरिंग और नीचे का पूरा एकदम उन्होंने साफ किया है, पूरा अखबार लगा रखे हैं सब चीजें। गियर नॉब भी चेंज होगा, लेके आता हूँ मैं कल या बुक करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। गाइस आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। एक तो इस एंगल पे गाड़ी खड़ी है, मजा आ जाएगा देख के, लो देखो। आ गए गाइस घर हम लोग फाइनली, मार दो भाई धूम। हमारी रानी एकदम रानी की तरह लाल और खूबसूरत हो रहा है, ऐसा लग रहा है दुल्हन बनी हुई है। मेकअप श्रृंगार हो क्या है वैसे तो इसका, देखा जाए तो कुछ मजदूर कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में मजदूरी की है तुमने, कोई दिक्कत छोड़ना है। ओके गाइस आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेहनत मेरी रहमत उसकी प्यार आप सबका, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, टेक केयर गाइज, बाय।